Bye. <laughs> गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज जो विद्या मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये मुझे भी बहुत ही अकस्मात रूप से मिला था एक बारी मैं झारखंड बिहार बंगाल के एक बहुत ही नामी तांत्रिक हैं जो कि डॉक्टर रामनाथ अघोरी परिवार से जुड़े हैं उनसे मिलने गया था और वो एक स्मशान में रुके थे तो दो तीन बार मिलने गया तो उन्होंने अचानक बोला कि आओ तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और उन्होंने मुझे स्वप्नेश्वरी देवी का मंत्र दिया जिस समय मैं उनसे मिलने गया था मुझे तंत्र या अघोर पर बहुत विश्वास नहीं था ठीक है विद्या पर और उनको भी मैं देखता था कि वो बैठे बैठे आकाश में बातें करते थे तो मुझे लगता था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे मनोभाव को उन्होंने पढ़ लिया और उन्होंने मेरा कान में मेरे कान में एक मंत्र को तीन बार बोला फिर लिख के मुझे दे दिया रक्त चामुंडा का मंत्र था मुझे लगा कि ये समय व्यतीत करने का बात है लेकिन क्योंकि उन्होंने बताया था एक विधान तो मैंने उस विधान को किया और मुझे अनुभव भी हुआ था तो सपनों में जो जवाब आता आते हैं उसकी कई एक साधनाएं हमारे धर्म में दी गई हैं जवाब कितने सटीक आएंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आप सवाल किस तरीके के पूछ रहे क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी हो प्रोडिक्शंस हमेशा परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं कुछ भी तय नहीं होता है जीवन में हाँ आपके व्यवहार आपके ग्रह नक्षत्र और आपके अपब्रिंगिंग पर ये तय होता है कि आप आगे चल के क्या करोगे जब मैं आप बोल रहा हूँ ये आप फ्यूचर अपने बारे में सोचें या किसी और के लिए भी पता करें तो एक अंदेशा होता है कि फ्यूचर में क्योंकि आप हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं तो ऐसा ही होगा ठीक है ऐसा ही फ्यूचर प्रडिक्शन होता है पहले भी मैंने बताया था कि महादेव ने यह श्राप दिया है कि कोई भी प्रडिक्शन करेगा तो वो सत्तर प्रतिशत से ज्यादा सत्य नहीं हो सकता है तो फिर स्वप्नेश्वरी देवी देवी की साधना की बहुत ही हल्के से प्रश्न के साथ किया और उसका जवाब मुझे मिला था उसके बाद मैंने इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये विधि विधान के साथ खिलवाड़ है लेकिन हाँ ये विद्या होती है उसके बाद मैंने सपने पे काफी रिसर्च किया सिगमन फ्रूट का एक किताब है इंटरप्रिटेशन और ड्रीम्स पढ़ा ऐसे भी आप में से जो लोग जिस रात एक बुरा सपना देख लेते होंगे दूसरे दिन गूगल खोल करके उसके बाद उसका इंटरप्रटेशन खोजते हैं बहुत लोग मैसेज करते हैं कि ऐसा सपना देखा इसका क्या मतलब है सपनों पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे मेरा सपनों को लेके एक अलग रिसर्च है ठीक है और उसके हिसाब से एक इंटरप्रटेशन जो सपनों का बनता है वो अलग होता है लेकिन उसी के साथ सत्य यह है कि इंटरप्रेट ना करते हुए सपनों में कई बार हम डायमेंशन डायमेंशन को क्रॉस करते हैं या कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शरीर को छोड़ के निकलते हैं और जो इंटर डायमेंशनल एंटिटीज़ है जो हायर डायमेंशन एंटिटीज़ है वो हमसे संपर्क करके हमें कुछ न कुछ संदेश देती है आगे का एक मार्गदर्शन करती है ठीक है तो उसी पे आधारित होता है माँ स्वप्नेश्वरी देवी का की साधना ठीक है माँ स्वप्नेश्वरी देवी की जो साधना है ये 21 दिन की साधना होती है 21 दिन करने के बाद अगर आप साधक हैं ठीक है तो आपको आंशिक जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपको जवाब मिलेंगे तो वो जवाब देने के लिए भगवती स्वयं नहीं आती है चाहे तो आपको नींद में आवाज़ आएगा ठीक है जवाब मिलेगा या फिर जो आपके जीवन में जो लोग हैं उन्हीं के माध्यम से आपके सपने में आपका जो भी सवाल है उसका जवाब मिलेगा इसको परफेक्ट होने में समय लगता है मतलब आपने 21 दिन की साधना की उसके बाद इसको कंटिन्यू करना चाहिए कुछ दिन तक ताकि यह मंत्र जो है आपके ब्रेन के को कोडिंग को खोल सके 21 दिन की साधना सात्विक रहेगी क्यों सात्विक रहेगी अब यह समझो जब आप किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है ठीक है और अगर आप सोते समय उग्र होकर के सोएंगे तो ये साधना विफल हो जाएगी क्योंकि उस समय सब कॉन्शियस आपके कॉन्शियस पे खेलने लगता है ठीक है तो सात्विक रहेगा पूरा विधान सुबह स्नान करिए पूजा कीजिए शाम में सात बजे तक भोजन कर लीजिए भोजन हमेशा सात्विक करिए किसी तरीके का संबंध मत बनाइए ठीक है, है और ऐसे आपको 21 दिन व्यतीत करने इस साधना को आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं रात में जब आप बिस्तर पर बैठते हैं तो इसके मंत्र का 1100 जाप करना चाहिए ऐसे मंत्र विधान में माला मन का बताया गया है लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है अगर आप हाथ पर इसका जाप करते हैं ग्यारह माला नहीं कर सकते हैं तो ग्यारह सौ करिए ग्यारह सौ जाप आप अगर हाथ पर करते हैं इस मंत्र का तो आपको माला पे जाप करने से ज़्यादा लाभ होता है इसीलिए मैं बोलूँगा आप लोग हाथ पर जाप कीजिए ठीक है तो इक्कीस दिन इसको जाप करना है ग्यारह माला जाप करना है और जब भी आप ये साधना करिएगा तो आपके अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए कि ये साधना आप कर रहे हैं अगर किसी को आपने बता दिया कि ये साधना आप कर रहे हैं तो आपका यह साधना खंडित हो जाएगा फिर आपको शून्य से शुरू करना पड़ेगा मंत्र क्या है मंत्र सुनिए ओम रोंग क्लिंग रक्त चामुंडे स्वप्ने कथ्य कथ्य शुभा शुभम ओम फट स्वाहा ओम रौंग हर ठीक है ओम रोंग क्लिंग क्लिम नहीं क्लिंग रक्त चामुंडे स्वप्ने कथ्य कथ्य शुभम ओम फट स्वाहा एक बार और सुनिए ओम रौ कामुंडे स्वप्न कथ्य कथ्य शुभम ओम फट स्वाहा इक्कीस दिन इसका आप कर लेंगे तो बाईसवें दिन दस साल से कम उम्र की कुवारी कन्या को मां स्वप्नेश्वरी मानते हुए भोजन दक्षिणा और वस्त्र देना है जैसे दुर्गा पूजा में कुंवारी पूजन करते हैं वैसे ही ठीक है इतना करने से मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा जिस दिन आपको इसका प्रयोग करना है उस दिन ११०० मंत्र का आप जाप करेंगे बिस्तर पर बैठ के उसके बाद भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती अमुख प्रश्न का अमुख व्यक्ति के लिए मुझे जवाब दो तो उस रात्रि आपको स्वप्न के माध्यम से माँ भगवती जो भी आपका सवाल है उसका जवाब दे देगी ठीक है तो बहुत आसान साधना लेकिन बहुत ही उपयोगी साधना ये धीरे धीरे परफेक्ट होता है इसको ऐसा मत सोचिएगा कि पहली बार साधना कर लिया तो एकदम परफेक्ट जवाब आ जाएगा सबसे बड़ी बात है कि एक बार साधना करने के बाद जो आपको आ, संदेश मिलता है उसको समझने के लिए भी मानसिक रूप से बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए एक अंतिम बात जो साधक इस साधना को करेंगे सोने से पहले वो दे बंधन नहीं करेंगे ठीक है क्षेत्र बंधन आप कर सकते हैं दे बंधन नहीं करेंगे और शरीर पर कोई भी बंधन अंगूठी एक अगर यज्ञोपवी पहनते हैं उसको छोड़कर कुछ नहीं रखेंगे आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट फाइव एट फाइव अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र हस्ते डॉट एक्साइज अघोर तंत्र हस्त डॉट कॉम पर आप जा सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर एप्पल पर आप डाउनलोड कीजिए इसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च कीजिए तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा उससे बहुत अर्जेंट हो तो नाइन फोर थी बनाए एट एट फाइव पर एट एट फाइव एट फाइव पर बात करिए आज के लिए इतना ही आप लोगों को सफल बनाए ऐसे मेरी कामना है आप सभी तो आदेश सारे अलग